जयपुर सामयिक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संविधान हत्या दिवस घोषणा का निर्णय बदलने की मांग की है। दरअसल जयपुर में सामयिक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के फैसले को बदलने की अपील की है। रोकड़े ने प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घोषणा से एक बड़ी भूल हुई है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है, अन्यथा इससे भारत की वैश्विक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की हत्या के संदर्भ में हत्या दिवस मनाया जा सकता है, लेकिन संविधान एक कालजयी दस्तावेज है जो जीवन और मृत्यु से परे है और देश की सार्वभौमिक पहचान का हिस्सा है। संविधान की हत्या की बात सुनकर देशवासियों में कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं। रोकड़े ने कहा कि विशेषकर SC ST वर्ग का मानना है कि इस प्रकार की घोषणा से एक नया संविधान लाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रधानमंत्री इस निर्णय को नहीं बदलते हैं तो वे इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे और निर्णय पर रोक लगाने की मांग करेंगे। 25 जून को भारत की सरकार ने, या फिर हम यूं कहें कि भाजपा के कुछ नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। हालांकि इसमें उनके अपने अलग विचार थे, लेकिन इन्हीं विचारों के विरुद्ध एक व्यक्ति चल पड़े हैं भोपाल से, जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और विदर्भ के इलाके में भी अपनी अलग तरह का एक आंदोलन छेड़ रखा है, जो ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ की हत्या नहीं हो सकती, जो निर्जीव नहीं है, उसका हत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, जानेंगे उन्हीं से। भास्कर राव रोकड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संविधान हत्या दिवस के आप विरोध में क्यों हैं, जबकि इसके पक्षकारों का मानना है कि इस दिन संविधान की हत्या हुई थी, कई लोगों के ऊपर जुल्म हुए थे और बिना कसूर कई लोगों को जेल में ठूस दिया गया था, तो ये संविधान का विरोध नहीं, संविधान के साथ अन्याय नहीं, तो और क्या है? देखिए, कोई भी रचना कालजयी होती है। मैं स्वयं लेखक हूँ, 30 किताबें लिख चुका हूँ। जब किसी पुस्तक का विमोचन होता है तो उस दिन माना जाता है प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसे कोई मृत घोषित नहीं कर सकता। संविधान तो 299 सदस्यों ने 22 समितियों में बैठकर 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत के भिन्न भिन्न छोर पे जाकर यहाँ के रहन सहन, परिवेश और आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, विश्व के संविधानों का अध्ययन करते हुए उसकी रचना की, और वो अपने आप में एक विराट स्वरूप ले चुका है। भारत की टोटल जीवन शैली उस संविधान पर निर्भर है, न केवल कानून व्यवस्था, न केवल प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसकी हत्या हो ही नहीं सकती। अब रहा सवाल, 25 जून 1975 को ऐसा क्या हुआ जिसको ये संविधान हत्या मान रहे हैं? बड़ी आश्चर्य की बात है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा विराट बुद्धि का व्यक्ति होता है, और उन्होंने विराटता का परिचय तो दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरे साल ही, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था, उस दिन को उन्होंने संविधान दिवस घोषित किया। हमने सोचे बड़े विराट हृदय के व्यक्ति हैं ये, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब 9 साल बाद 10 साल की सत्ता होने के बाद, या 11 साल हो रहा है लगभग, तो इस बीच में उनको ऐसा लगा कि नहीं, संविधान की तो हत्या हो गई थी। कब हो गई थी? 25 जून 1975 को। अरे उसी संविधान का संविधान दिवस मना रहे हो 26 नवंबर को, यहाँ बता रहे हो हत्या दिवस मनाएंगे, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, क्या हुआ बुद्धि को जी। लेकिन सर, जिस प्रकार से हमने शुरुआत में पूछा कि 25 जून को जो घटनाक्रम पूरे देश में घटित हुआ, इमरजेंसी लगाई गई, कई लोगों के ऊपर मीसा लगाए गए, कई बेकसूर लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, तो ये संविधान के विरुद्ध ही तो आचरण था? बिल्कुल नहीं, संवैधानिक था। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो 1971 में युद्ध के दौरान बना था, ऐसा हर देश में होता है। दूसरा कानून जो है भारत सुरक्षा अधिनियम जी, जो बोलते हैं DIR का, DIR भारत सुरक्षा, भारत रक्षा कानून कहलाता है, भारत रक्षा कानून, वो भी युद्ध के दौरान बना था, हर देश में बनता है। तीसरा कानून जिसके बारे में बोलते हैं निवारक निरोध अधिनियम,
ये उसी समय संविधान में बना हुआ है, यदि कोई व्यक्ति विध्वंसक गतिविधियों में भाग ले सकता है, देश की शांति भंग कर सकता है या प्रशासनिक व्यवस्था को चौपट कर सकता है, तो इस आधार पर गिरफ्तार किसी को किया जा सकता है। वो राजनीतिक बंदी थे, कोई आपराधिक बंदी नहीं थे, उनको उस समय के लिए कि ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसे हालात क्यों बने ये तो सोचिए। देश का संविधान अभी बनकर कंप्लीट ही हुआ था कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 को प्रकाशित होता है कि इस संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है, जो उत्कृष्ट था, जो हमारा इतिहास था, ऐतिहासिक पहलू थे, जो उस समय संवैधानिक प्रावधान थे, उसका उल्लेख इसमें नहीं है। और फिर लगातार विरोध चला, फिर हिंदू कोड बिल को लेकर के विरोध चला, करपात्री महाराज और आरएसएस सड़क पर उतर आए, मतलब ये चलता रहा। फिर बाद में राजमाता सिंधिया, आपके राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी की माता जी, ग्वालियर रियासत की रानी, वो उन्होंने पचमढ़ी सम्मेलन में द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा कुछ बात आई तो उन्होंने कहा ये हम पर तंज कस रहे थे, और उसके बाद में लगातार इंदिरा जी के खिलाफ हो गए, पूरे देश के राजा महाराजाओं को उन्होंने एकजुट किया, विरोध का बिगुल बजा, मध्य प्रदेश में बनी सरकार कांग्रेस की थी उसको हटा दिया गया और संविध सरकार बनी वहाँ पर, ये स्थिति बनी। उसके बाद 1967 में इंदिरा जी पर पत्थर तक के मारे गए, खून बहता हुआ उन्होंने भाषण दिया, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का उन्होंने निर्णय लिया, तो ये सारे लोग खिलाफ में हो गए, जबकि आरएसएस के ही दत्तोपंत ठेगड़ी उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन सारी आरएसएस खिलाफ में गई। फिर उसके बाद में जब राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स राजभत्ते और विशेषाधिकार समाप्त करने का निर्णय लिया, तो यही जो समाजवाद की बात करने वाले, ये सब सत्ता का विकेंद्रीकरण करने वाले, ये आम जनता की बात करने वाले, इन लोगों ने घोर विरोध किया। पूंजीपतियों के शिकंजे में कसी खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इन्होंने विरोध किया। और देखिए तो सही क्या दोगली नीति है, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों की। 1971 में भारत पाक युद्ध में इंदिरा जी के पराक्रम को देखते हुए गुरु गोलवलकर जी ने, जो अटल जी ने बात कराने गए थे इंदिरा जी से, तो उनके सामने बोला इंदिरा तू तो दुर्गा की अवतार है, दुर्गा की अवतार, और वही बात को अटल जी ने जाके दिल्ली में कहा, एक बार दुर्गा की अवतार बोले। उसके बाद में अमेरिका जैसे देश भारत पर दुनिया भर की पंदी से लगाने का प्रयास करने लगा, यहाँ कुछ हो जाए तो हम अवसर का लाभ ले, तब इंदिरा जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत की शक्ति का एहसास विश्व को कराया। तो अब देख रहा था पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा था कि कहीं इंदिरा जी विश्व नेत्री ना बन जाए, भारत विश्व नेता ना बन जाए, तो उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर छोटी छोटी कमी को देखना शुरू किया। इसी बीच में ऐसा क्या हुआ था कि 1974 में इंदिरा हटाओ अभियान चलाया गया, गुजरात में बिहार में बड़े दंगे होने लगे, और कोई कारण नहीं था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कोई मुद्दे ठोस आधार नहीं थे, इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। सर माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूँ, आपने इंदिरा जी के समय का जो उदाहरण आपने दिया है कि इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उस समय वो विश्व नेता बन के उभर रही थी और देश एक तरक्की की एक नई राह पे चल पड़ा था, कहीं ना कहीं अगर आज की परिस्थितियों की हम बात करें तो कुछ कुछ वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते दिखाई दे रहे हैं, उनके नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं देश तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आज भी वही परिस्थितियां वापस आ रही हैं, देश के संविधान को खतरे में बताया जा रहा है, बेरोजगारी और उन मुद्दों को उठाकर भारत सरकार को घेरा जा रहा है, प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाते हैं वहां पर अगर भारत की पूछ होती है तो उसे एक नाटक कहा जाता है, तो क्या लगता है आपको कि उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में क्या अंतर? बड़ा भारी अंतर है, उस प्रकार ठोस रचना उस समय की जा रही थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खदानों का राष्ट्रीयकरण, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर बंद करना, ये ठोस आधार था, आज कोई ठोस आधार नहीं है, आज ठोस आधार नहीं है। उस समय विश्व दो शक्तियों के बीच था, अमेरिका और रूस,
ऐसा आज हालात नहीं है, दो शक्तियों के बीच में नहीं बटा है विश्व, आज वो उपलब्धियां नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था जो राजघरानों के और पूंजीपतियों के शिकंजे में कसी थी, उसको मुक्त करा करके गरीबी हटाओ का नारा था। गरीबी हटाओ के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम भी बने थे, पूरे विश्व ने माना था कि ये बड़े अच्छे कार्यक्रम है। ऐसे ठोस कार्यक्रम आज विश्व पे हमारा भारत नहीं दे पा रहा है, आज वो उपलब्धियां नहीं है। जो बनावटी रूप से उपलब्धियां गिना दी जाए बात अलग है, मैं मूल मुद्दे पे आ रहा था। हालात संवेदनशील बन चुके थे, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में उल्लेखित ठोस प्रावधान अनुच्छेद 352 के तहत संविधान मतलब आपातकाल लागू करने की सिफारिश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राष्ट्रपति को की और संविधान ये आपातकाल लागू किया गया। वो संवैधानिक दायरे में था, संविधान की हत्या करके नहीं बल्कि संविधान का पालन करके किया गया था। बड़ी आश्चर्य की बात 1974 में ये संयुक्त विपक्ष ने बोला सेना और पुलिस प्रधानमंत्री की बात न माने, इसको क्या विद्रोह की स्थिति नहीं मानेंगे? आपातकाल लगाने की स्थिति बनी और आपातकाल संवैधानिक था, इसीलिए संविधान के तहत ही दो कार्यकाल 6-6 महीने के बढ़ाए गए थे। संविधान के तहत ही सब आपातकाल हटाया गया, फिर सरकारें चली, अब तक चल रही है। यदि 25 जून 1975 को संविधान की हत्या हो गई 49 साल पहले, तो देश कैसे चल रहा है, न्यायालय कैसे चल रहे हैं, कार्यवाही कैसी हो रही है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है या नहीं है? कैसे चल सकता है, क्या मरे हुए संविधान के भरोसे चल रहा है? अब प्रधानमंत्री जी विश्व मंच पर जाएंगे तो विश्व के अन्य देश प्रतिक्रियावादी देश कहेंगे भारत का संविधान मर चुका है, बिना संविधान के भारत चल रहा है, तब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न भी आपसे यही था। उन्हीं इंदिरा गांधी के पोते और कांग्रेस के कई बड़े नेता आज यही चीज़ बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, कई जगह संविधान की हत्या हो चुकी है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में जाकर बोला एक विशेष कम्युनिटी को लेकर, सिखों को लेकर, कि वो अपने धर्म की चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते, जबकि सबसे ज़्यादा सिखों को खतरा उन्हीं कि दादी की जब हत्या हुई थी उस समय हुआ था। तो इस चीज़ को आज के परिवेश में आप कैसे देखते हैं? प्रश्न यहाँ मैं विषय से कभी भी नहीं भटकता, मेरा आग्रह है। उस विषय पे बात करेंगे तो उस पे करूँगा, लेकिन मेरा आग्रह है आज विषय की बात है भाई। सब अगर जुमलेबाजी करें, हम मौखिक बात करें, जुमलेबाजी करें कि संविधान की हत्या हो गई है या हो सकती है, कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, ये जुमलेबाजी है। भारत का संविधान, भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र, उसमें कोई भी चीज़ अनाप शनाप प्रकाशित नहीं कर सकता। बकायदा संविधान में उल्लेखित नियमों का उल्लेख करके उसमें प्रकाशित किया जाता है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, राजपत्र में सीधे सीधे लिख दिया कि उस समय में बड़ा भारी जुल्म हुआ थे, संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू किया गया था, इसलिए संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाता है, वो असंवैधानिक है। ऐसा नहीं कर सकते। अब आगे अपने इस आंदोलन को आप कहां तक लेकर जाएंगे? एक ये संविधान हत्या दिवस जो इन्हें घोषित किए, इसे वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। भारतीय कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता, कोई भी भारत ये स्वीकार नहीं कर सकता। हम कोने कोने तक, जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे। अभी हमने इनको पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को आग्रह पत्र लिखा। आग्रह में क्या किया? प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे बड़ी भूल हो गई। पहले 400 पार संविधान बदलेंगे बोले, नहीं हुआ 400 पार, तो आपके लोगों ने कहा अब भी प्रधानमंत्री हैं आप संविधान उनकी हत्या घोषित कर दीजिए, नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नया संविधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, इस भूल को सुधार कर लीजिए, बड़ी विकट स्थिति बन जाएगी। आप नया संविधान नहीं बना सकते। यदि नया संविधान बनाने की बात करेंगे, 349 सालों की जितनी कार्यवाही हुई है, जो भी सरकारें चली है, जो भी नियम बने हैं, जो भी कानून बने हैं, सब के सब निरस्त करने पड़ेंगे, अर्थात जीरो करना पड़ेगा। आप जीरो करके नया संविधान नहीं बना सकते, बड़ी असमंजस की स्थिति देशवासियों के सामने बनी है। इस निर्णय को वापस लेके भारत के संविधान की जीवंतता का एहसास हमें लौटा दीजिए। और यदि अभी भी नहीं मानते हैं, पत्रकारों के माध्यम से बात पहुंचा रहे हैं, तब भी नहीं मानते, तो हम न्यायालय जाएंगे। अगर न्यायालय में नहीं मानते तो जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाएगा, जन अदालत से बड़ी फिर कोई अदालत नहीं होती। लेकिन भारत के संविधान की हत्या वाली बात कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ भास्कर राव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 25 जून को संविधान की हत्या के दिवस में मनाने का जो निर्णय है वो सर्वथा अनुचित है और उसे जल्द से जल्द वापस लें, वरना
इसको वापस लेने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इस संविधान हत्या दिवस को वापस लेने पे प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को विवश किया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ जीवंत है उसकी हत्या नहीं हो सकती। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।